हे डिज़ाइनर्स एंड माय फ्रेंड्स, तो ये है मेरा डिज़ाइन की बात चैनल। तो वेलकम बैक। अभी हमने लास्ट में दो वीडियोस अपलोड किए थे फिग्मा ट्यूटोरियल से रिलेटेड, सो प्लीज़ आप लोग सब वाले वीडियोस देख लीजिएगा। तो अभी हम इस वीडियो में कुछ नया सिखाने वाले हैं, जैसे कि एक जो हमारा फिग्मा टूल है, तो वो हम पूरा टूल्स को जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये मेरा चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी लास्टली इसमें बैनर चेंज था, अभी मैंने ये वाला बैनर ऐड किया है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वाला बैनर कैसा लग रहा है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्यूटोरियल पे। तो इस वाले ट्यूटोरियल में हम यहाँ पे सीखेंगे ये वाले टूल्स जितने भी हैं उनको कैसे यूज़ करना है। बेसिक लेवल पे हम इसे यूज़ करना सीखेंगे कि हम इसका यूज़ करके कुछ बढ़िया क्रिएट कैसे करते हैं। मोस्टली जो वेबसाइट होती हैं और एप्लीकेशंस होते हैं वो इन्हीं इतने ही टूल्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं, है ना। ये तो हमारा यूआई से रिलेटेड टूल्स हैं, है ना। इसमें डिज़ाइन है, फिर यहाँ पे प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइपिंग बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती है, उसमें हम प्रोटोटाइपिंग ये बाद में सीखेंगे। तो ये मैं आपको प्रोटोटाइपिंग भी सिखाऊँगा इसमें। फ़िलहाल अभी के लिए हम ये टूल्स को सीखेंगे, इस टूल्स को जानेंगे कि क्या क्या करते हैं ये सब, है ना। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, है ना, वो एक एक करके हम सीखेंगे उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें नेमिंग कर देते हैं इसको फिग्मा टूल्स, है ना। तो इससे अच्छा, ये मैं हमेशा ये रीनेमिंग क्यों करता हूँ, ताकि हमें पता रहे कि हम कौन कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो अभी हम ये फिग्मा टूल्स सीख रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसकी नेमिंग कर दी। इससे पहले वाले भी जितने ट्यूटोरियल्स हैं उसमें मैं नेमिंग करता हूँ पहले, तो इससे ये रहता है कि हमारा पता रहता है कि हम कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना। फिग्मा टूल्स, ये नेमिंग करना बहुत ज़रूरी होता है और सही भी रहता है, एक सही तरीका भी है डिज़ाइन करने का कि आप नेमिंग कर लो हर चीज़ की, तो इससे सिस्टमेटिक रहता है सब, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे सिंपल टूल है हमारे यहाँ पे, ये है मूव टूल। मूव टूल सिंपली जैसे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो भी हम मान लो ये रेक्टेंगल क्रिएट कर ले रहे हैं, है ना। रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर लिया हमने, तो अभी इसको हमें मूव करना है। तो इसकी शॉर्टकट की तो है इस वी, है ना। वी दबा के हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, और बिना शॉर्टकट यूज़ किए भी, मान लो हम यहाँ पे हैं, ये वाला टूल हमने ले रखा है, है ना। अब हमें मूव करना है, तो एक तो ऑप्शन ये कि हम यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक कर लें और फिर उसके बाद मूव कर लें। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेन टूल स्टार्ट हो जाएगा, करके दिखा मुझसे यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे पेन टूल स्टार्ट हो गया, तो हमें ये नहीं करना है ना। तो मूव टूल में क्या करना है कि जैसे कोई टूल ले रखा है ना, तो भी इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है हमें। इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या तो वी दबा देंगे तो सीधे ये एरो आ जाएगा और यहाँ से मूव कर लेंगे, तो इतना शॉर्टकट है ना। तो अगर हमें शॉर्टकट नहीं आ रहा, अभी हमने फर्स्ट ही फिग्मा को ओपन किया, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे ये वाला टूल है ना, ये एरो भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, मूव लिखा भी हुआ है ना, एकदम डिफाइंड हो रखा है कि मूव टूल है। तो जस्ट जाना है ना, उसको जहाँ भी आप मूव करना चाहते हैं मूव कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट टूल, है ना। अब इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट टूल है, ये स्केल टूल है ना। अब आप सोच रहे होगे कि स्केल टूल का फ़ायदा क्या है, इसको तो हम यूं ही स्केल कर लें एरो से पकड़ के, है ना। स्केल ऐसे भी तो हो रहा है ये, है ना, बट इस टूल का फ़ायदा बहुत ही अच्छा फ़ायदा है ना, वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा कि इस टूल का फ़ायदा क्या है। मान लो हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट हम H1 हेडिंग में लेंगे, है ना। H1 मतलब हेडिंग 1, तो मैं जब भी H1 बोलूँ तो आप लोग समझ जाइएगा कि हेडिंग 1 है।
तो H1 हम ले लेते हैं यहाँ पे, कुछ भी ले लेते हैं अभी, लॉरम इप्सम मैंने लगा नहीं रखा है, तो अभी हम कुछ भी ले लेते हैं, जस्ट रैंडम रैंडम नहीं टाइप करते हैं, चैनल का ही नाम टाइप कर लेते हैं डिज़ाइन की, ठीक है। ये हमारा H1 हो गया है, H1 अभी थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ 20 कर देता हूँ, है ना। ये हमारा H1 हो गया। अब यहाँ पे हम एक और टेक्स्ट इसी को कॉपी करेंगे, है ना। अब ये आप सोच रहे हो कि मैं एकदम से ऐसे इसको कॉपी कैसे कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक से बता रहा हूँ, तो जिन्होंने जस्ट अभी फिग्मा को स्टार्ट भी नहीं किया है चलाना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। जो जिनको आता है वो तो समझ गए होंगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ, इसमें करना कुछ नहीं है, है ना। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट दबाना है, जैसे ही डबल एरो आ जाएगा, देखिए अभी नहीं है, अभी आ गया, है ना, जैसे ही मैं ऑल्ट दबाऊंगा डबल एरो आ जाएगा, फिर इसको धीरे से ड्रैग कर लेना है नीचे, है ना। तो ये हमारा एक कॉपी बन जाएगी इसकी, है ना, डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे YouTube चैनल, है ना। तो ये हमारा H2 हो जाएगा, है ना, H2, या हम इसको लिख कर देते हैं H3, H2 तो थोड़ा ही रहेगा, है ना, इसको हम कर देते हैं H3, H3 में जाएंगे तो हम इसको इतना कर देते हैं, है ना। सो अभी ये हमारी ये ऑब्जेक्ट है ना, अभी इस ऑब्जेक्ट को हमें करना है स्केल, है ना। तो हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं, हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, तो इसको करेंगे हम स्केल। अब हमने इसको स्केल किया, स्केल करने के बाद ये काफ़ी डिस्टॉर्टेड सा हो गया है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो जैसा था वैसा नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्केल, है ना, इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन आ गया। अब इसको हम कितना भी ड्रैग और कितना भी बड़ा या छोटा कर लें, है ना, ये जैसा इसका प्रोपोर्शन था, जितना था प्रोपोर्शन, वैसे ही रहेगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा। नॉर्मली अगर करते तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो अजीब सा दिखने लगता, वो चेंज हो जाता, है ना। तो अभी मैं करके भी दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ से इसको मूव पे ले जाते हैं, मूव टूल, है ना। अब इसको हम मूव करते हैं, देखिए टेक्स्ट इसमें बिगड़ने लगा, है ना, थोड़ा और छोटा ले जा रहे हैं तो टेक्स्ट इसमें बिगड़ जा रहा है। तो ये ना हो, इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्केल टूल। स्केल टूल का शॉर्टकट के है, है ना, एस नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि स्केल टूल है एस से है तो एस शॉर्टकट हो जाएगा, शॉर्टकट एस नहीं है, शॉर्टकट हमारा है के, है ना। तो अभी हम इसको यहाँ पे रखते हैं, शॉर्टकट यूज़ करते हैं के, है ना, ये हमारा स्केल टूल आ गया। अब इसको हम छोटा भी करना चाहते हैं, कि हम छोटा कर ले रहे हैं इसको, कोई उसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, है ना, इसको बड़ा भी कर रहे हैं तो भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, स्केल टूल का, है ना। तो अभी ये हमने ये चीज़ यहाँ पे सीखा, अभी हमने ये पहला टूल सीखा है, मूव टूल और स्केल टूल, है ना। तो अभी हम ये इन टूल का यूज़ भी हमने सीख लिया है, कि कैसे यूज़ करेंगे, किस जगह पे यूज़ करेंगे, है ना। तो थोड़ा इसमें कलर भी यूज़ करते हैं, कहाँ गया, हाँ अभी ये सेलेक्ट नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम फिल ऐड करते हैं, कुछ फिल में हम इस कुछ भी कलर्स ले सकते हैं, है ना। तो ये हमारा फिर से हम के यूज़ करते हैं, इसको और थोड़ा छोटा करते हैं, है ना, देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। तो हमारा जो है ये स्केल टूल काफ़ी यूज़फुल है, है ना, ये बड़ी बड़ी डिज़ाइंस में बहुत यूज़फुल होता है। अभी ये छोटी डिज़ाइन बनाए तो इतना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, बट फिर भी आ गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया ये चीज़, है ना।
नेक्स्ट अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट ये हमारा है फ्रेम। फ्रेम टूल आप सभी जान गए होंगे, स्टार्टिंग में मैंने एक फ्रेम बना ही लिया था, अभी इसमें भी बना के दिखा देते हैं। एक तो हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से बन जाता है ना, ये एकदम फ्री ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पे हम मतलब कोई भी साइज वाइज नहीं ले रहे हैं, जस्ट क्लिक कर रहे हैं और ड्रैग कर देना है, हमें जितना भी बड़ा फ्रेम है अपने अकॉर्डिंग चाहिए, कस्टमाइज फ्रेम है ना, वो हम बना ले रहे हैं। ये बन गया है ना, बट हमें कस्टमाइज नहीं चाहिए, हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। हमें यहाँ पे एकदम फिग्मा ने बना के रख दिया है कि जो आपको जैसा फ्रेम चाहिए वो सब फ्रेम इसमें प्री डिफाइंड फ्रेम्स हैं है ना। तो जैसे यहाँ पे फ़ोन के लिए चाहिए आईफोन 14, 14 प्रो, तो जितने भी यहाँ पे फ़ोन से रिलेटेड फ्रेम्स चाहिए वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे, टैबलेट से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि फ़ोन के लिए साइज़ होता है और टैबलेट के लिए साइज़ होता है, डेस्कटॉप के लिए क्या साइज़ होगा है ना, प्रेजेंटेशन के लिए क्या साइज़ होगा। अगर हम वॉच के लिए यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं तो वॉचेस जो होती हैं डिजिटल वॉचेस होती हैं उनके लिए हम यूआई जो है यहीं फिग्मा में, इसी फिग्मा में ही डिज़ाइन करते हैं, तो वो बहुत ही आगे लेवल का है ना। आप बोलोगे तो मैं उस पर भी एक वॉच का यूआई डिज़ाइन पे भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा, तो इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा है ना, और मेरे इस वीडियो को भी लाइक करिएगा। इस वीडियो में हम एम करेंगे 20 लाइक्स का, अगर आप 20 लाइक्स देते हो तो और भी आगे अच्छा ट्यूटोरियल आपको बना के दिखाऊंगा। तो हाँ, फिलहाल अभी हम वॉच की बात कर रहे थे, तो वॉच पे हम आ जाते हैं। तो डिजिटल वॉच होती है उसके लिए यूआई डिज़ाइन होता है, तो उसका प्री डिफाइंड यहाँ पे फ्रेम मिल जाता है आपको। और ऐसे ही पेपर का है, पेपर मोस्टली हमारा प्रिंटिंग से रिलेटेड हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा तो इसमें यूज़ नहीं होता, बट कुछ कुछ पर्पस होते हैं इसमें यूज़ करने के लिए है ना। ये सोशल मीडिया का ये काफ़ी यूज़ होता है, इसमें प्री डिफाइंड हमारे जो पोस्ट होते हैं उनके हेडर हो गए, पोस्ट हो गया है ना, उसका कवर फोटो हो गया, तो ये सब प्री डिफाइंड मिल जाता है। तो अभी हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे हम प्री डिफाइंड यूज़ करते हैं है ना। यहाँ पे हम गए सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे हम एक फेसबुक पोस्ट ले लेते हैं है ना। हमारा फेसबुक पोस्ट ऐसा दिखेगा, फेसबुक पोस्ट वन है ना। तो ये हमारा एक फ्रेम हो गया, तो हम फ्रेम में ये ऐसे ही कर सकते हैं है ना। और फ्रेम में हम काफ़ी चीज़ें यहाँ से इनके एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, फ्रेम में हम कर्व ऐड कर सकते हैं है ना। सो यहाँ पे हम जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम क्लिक करके और मूव कर सकते हैं है ना, तो वो चेंज हो जाएगा। तो अब सेकंड पे आ गया हमारा फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शन को भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कि फिल ऑप्शन से हम जो इसका कलर है वो चेंज कर सकते हैं जैसा भी हम कलर चाहें, तो इससे हमारा जो फ्रेम का कलर है वो वैसा हो जाएगा। इसमें हम अगर फिल नहीं चाह रहे हैं है ना, इसमें हम चाह रहे हैं कि कोई स्ट्रोक आ जाए है ना, स्ट्रोक भी आ सकता है, स्ट्रोक को हम कर देते हैं 5, ये ऐसा दिखेगा। तो ये वाले जो फंक्शंस हैं वो लगभग सेम ही हैं, आपको सब में ऑलमोस्ट सेम ही मिल जाएंगे है ना। तो अभी मैं इसमें बता दे रहा हूँ है ना, मुझे जहाँ ज़रूरत लगेगी कि आपको बताना चाहिए है ना, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो मैं डिस्क्राइब करता जाऊँगा है ना। फिलहाल अभी यहाँ पर ये क्या है कि ये स्ट्रोक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हम जितने भी नंबर्स बढ़ाते जाएंगे उतना उसका स्ट्रोक जो है वो थिकनेस बढ़ती जाएगी है ना, कम करेंगे तो कम हो जाएगी है ना। अब यहाँ पे हम यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगर हम रेड चाहें तो रेड में आ जाएगा है ना। तो ये बड़ा ही मतलब सब में यूज़ होने वाला फंक्शन है। अब इनसाइड चाहिए तो इनसाइड हो जाएगा, सेंटर चाहिए तो सेंटर हो जाएगा, आउटसाइड चाहिए तो आउटसाइड हो जाएगा। तो सब इसमें लिखा हुआ है ना। ये सॉफ्टवेयर काफ़ी हैंडी है, तो आपको काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा, बस बेसिक्स का नॉलेज रखना होगा। तो मैं इसमें यही सब क्लियर कर रहा हूँ है ना, ये टूल्स सब आपको, ताकि क्लियर हो जाए है ना। और
टूल्स ऐसे नहीं कि बस मैं टूल्स बता दे रहा हूँ, उसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है उसके साथ ही ये भी बता दे रहा हूँ आपको। तो अभी हमारा फ्रेम है, और तो फ्रेम में जो भी ऑप्शंस होते हैं वो हमने बता दिया। यहाँ पे ड्रॉप शेडो भी ऐड करना बता दिया है ना, ड्रॉप शेडो अभी हटा देते हैं। तो यहाँ से हम पूरे फ्रेम को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये वाले जो ऑप्शन है ये आपको लगभग सब जगह सेम मिलेंगे, है ना। तो ये हमारा फ्रेम वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा। कुछ भी चीज़ रह गई हो, छूट गई हो तो वो भी बताइएगा मुझे, है ना, कि इसमें ये रह गया थी, आपने छोड़ दिया था, तो वो भी हम किसी और वीडियो में फिर कवर कर लेंगे, है ना। सो अभी नेक्स्ट ये हमारा है सिलेक्शन टूल। अब ये सिलेक्शन टूल और जो हमारा फ्रेम टूल है इसमें बड़ा लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो अभी ये कन्फ्यूज़न मैं बिल्कुल ही क्लियर कर देता हूँ आप लोगों की, है ना। इसी वीडियो में सब क्लियर कर दूंगा, मतलब एक ये कंप्लीट वीडियो होगा कि अगर कोई टूल को समझना चाह रहा होगा, जानना चाह रहा होगा, तो सिर्फ एक वीडियो काफ़ी है उसके लिए, एक वीडियो में वो पूरा टूल समझ जाएगा, है ना। तो मेरी हमेशा यही इच्छा रहती कि आप लोगों के लिए ऐसा ही कुछ करूँ, ऐसा ही कुछ बनाऊँ कि जिससे कि एक वीडियो में ही सब चीज़ कवर हो जाए, तो उससे आपको सिर्फ एक ही वीडियो देखने की ज़रूरत होगी, आपकी सारी क्वेरीज उसमें सॉल्व हो जाएंगी। तो ये सब मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए है। सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ नया और कुछ अच्छा लेके आऊँ, है ना, कुछ अच्छा ट्यूटोरियल आपको बताऊँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है। सो अभी स्टार्ट करते हैं इन दोनों में क्या ऑप्शन होता है ना। ये भी सिलेक्शन टूल है, इसमें ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को, है ना। अब हमने ये डिज़ाइन किया है ना, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, है ना। मान लो ये चीज़ है, है ना, ये चीज़ हमने डिज़ाइन कर रखी है इसमें, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं कॉपी, सबको एक साथ लेके जाते हैं। अब हम इसमें ये देखिए, इसको हम स्केल कर रहे हैं, मान लो हमने स्केल की भी लगा दिया है ना, ठीक है। अब हम इसको स्केल कर रहे हैं, अब इसको और थोड़ा सा कुछ ऑप्शंस में और ले लेते हैं, है ना। तो इसमें ये होगा कि एक जो सिलेक्शन है उसके अंदर ये हमारा पूरा जो है फ्रेम, ये हमारा पूरा फ्रेम आ जाएगा उसके अंदर, है ना। अभी हम ऐसे कर रहे हैं तो ये फ्रेम चला जा रहा है, देखिए ये वाला जो है ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इस वाले फ्रेम को इसके अंदर डालता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इस फ्रेम को इसके अंदर रखा, ये फ्रेम वाला ऑप्शन चला गया, अब ये फ्रेम नहीं रह गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया है इसके अंदर जाने के बाद, है ना। तो अभी ये फ्रेम है, एक बार और करके दिखाता हूँ, उसको हटा देता हूँ, यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये हमारा फ्रेम है, ये हमारा दूसरा फ्रेम है, है ना। अब हम इसको इस फ्रेम के अंदर लेके जाते हैं, तो अब ये फ्रेम नहीं रहा, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया है, है ना। अब इसको हम बाहर ले के आते हैं, अब ये फिर से फ्रेम हो गया। बट हमारे सिलेक्शन वाले जो ऑप्शन में होता है, जो ये वाला ऑप्शन है सिलेक्शन वाला, तो इस वाले ऑप्शन में हम पूरे फ्रेम को भी रख सकते हैं, है ना। जैसे हमने ये देखा, अब इसको हम की वाला यूज़ करेंगे, स्केल करेंगे, इसको इसके अंदर रखेंगे, ये देखिए पूरा फ्रेम आ गया उसके अंदर, है ना। सो भी हम के फिर से यूज़ करेंगे, इसको और छोटा कर लेंगे, है ना, इसको यहाँ पे रख देंगे। देखिए इसके अंदर हम फ्रेम्स रख सकते हैं सिलेक्शन के अंदर, है ना। ये पूरे सिलेक्शन के अंदर हमने फ्रेम रख लिया। अब हम इसको मूव करेंगे तो ये बिल्कुल मूव होगा, है ना, एक सिलेक्शन पूरा उसके अंदर आ गया, है ना। तो ये सिलेक्शन से रिलेटेड चीज़ है, है ना। इसके अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो ये पूरा इसको मूव कर सकते हैं, बट ये चीज़ हमारे फ्रेम में नहीं है, है ना। फ्रेम से जैसे ही बाहर आप कोई ऑब्जेक्ट लेके जाते हो, है ना,
फ्रेम से बाहर हम ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे तो वो फ्रेम से अलग हो जाएगा। ये देखिए अब इसमें फ्रेम रहा ही नहीं ना, तो ये डिफरेंस है हमारे सिलेक्शन में और हमारे फ्रेम वाले ऑप्शन में, है ना। लोग सोचते होंगे कि ये अच्छा फ्रेम बनाने पे और इसमें बनाने पे क्या डिफरेंस हो जाता होगा, है ना, दोनों सेम ही लग रहे हैं। यहाँ पे नेमिंग भी कर सकते हैं हम, उसकी जगह इसको नाम दे देते हैं, हो गए सेम से लग रहा है ना। बट ये चीज़ ऑप्शन होती है ना। यहाँ पे हम इसका डिव भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना, वो हम बाद में बताएंगे, है ना। अभी फिलहाल कोशिश ये कि यूआई डिज़ाइन से रिलेटेड जितनी चीज़ें इस वाले उसमें हमारी कवर हो जाए, है ना, ताकि ये जो टूल्स हैं यूआई डिज़ाइन के लिए जान लें पूरे। फिर इसके बाद एडवांस हम यूआई डिज़ाइन सीखेंगे, जिसमें मैं प्रॉपर आपको एक लैंडिंग पेज बनाना सिखाऊंगा, है ना, बिल्कुल स्क्रैच से, है ना। वो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी तो आप उस ट्यूटोरियल को ज़रूर देखिएगा, है ना। सो अभी ये वाले जो चीज़ें हैं, है ना, अपने होप कि आपको ये समझ में आया हो, है ना। अभी हम इस चीज़ को यहाँ हटाते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब हमारा ये टूल था, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टूल है स्लाइस। तो स्लाइस टूल भी इसी से रिलेटेड है, है ना, बट ये जो है कंटेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम एक, तो अभी हमने ये देखा, फिर हम स्लाइस वाला ऑप्शन देखते हैं। स्लाइस वाला ऑप्शन ये होता है कि हमारा जितना भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो स्लाइस हो जाता है, है ना, तो उसको जस्ट कट कर देते हैं, है ना। स्लाइस का मीन्स ही होता है कि उसको, उस चीज़ को कट करना, है ना, है ना। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी इमेज है, उसको कट करना होगा तो उसको स्लाइस बोलते हैं। जैसे कि मान लो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इस चीज़ को, एग्जांपल के थ्रू हम ऐसे समझेंगे कि हम एक इमेज को यहाँ से ले लेंगे, ये वाली इमेज ले लेते हैं, इस वाली इमेज को हम यहाँ पे रख लेते हैं, इस वाली इमेज को मैं से रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे स्लाइस, इतना पार्ट हम स्लाइस करके निकालेंगे, है ना, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, इतना पार्ट हमें दिख गया कि इतना पार्ट हमारा स्लाइस होगा। तो बहुत ज़्यादा सा इसका काम नहीं है, बस सिंपल सा स्लाइस करने का ही काम है। तो ये मोस्टली वेबसाइट में यूज़ होता है, वेबसाइट डिज़ाइन में, है ना। तो जो हमारे मेन जो टूल है वो उन टूल्स में ये है, हमारा रेक्टेंगल टूल, लाइन टूल, एरो टूल, इक्लिप्स, पॉलीगॉन, स्टार एंड प्लेस इमेज एंड वीडियो, है ना। तो ये जो है बहुत ही हमारे इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं, इन्हीं से हम सारा अपना जो यूआई डिज़ाइन है वो क्रिएट करते हैं। जितना भी आप वेबसाइट के डिज़ाइंस देखते हो, जितने भी आप एप्लीकेशंस में, मोबाइल एप्लीकेशंस में देखते हो, तो वो सारी चीज़ें इन सब से ही क्रिएट होती हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक एक करके इन सबको जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, है ना। तो अभी हम इसमें एक एडवांस लेवल भी इनका हम सीखेंगे, है ना। अभी तो हम बस इन टूल्स को जान रहे हैं कि ये टूल वर्क कैसे करते हैं, है ना, इन टूल्स की वर्किंग कहाँ है और यूज़ कैसे करना है, है ना। सिर्फ टूल जान लेंगे कि वो तो आप खुद भी जान सकते हो कि फिगमा करोगे और यहाँ पे देखो ये लिखा है रेक्टेंगल लाइन, बट उस टूल को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा, वो आप इतना अच्छा नहीं समझ पाओगे, है ना। जिसने यूज़ किया होगा उसको वो वही समझा सकता है, तो इसलिए मैं आपको ये वाला चीज़ समझाता हूँ ना। अभी हम अपना रेक्टेंगल टूल यूज़ करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेंगे,
शॉर्टकट की होती है आर, है ना, आर फॉर रेक्टेंगल। तो अभी देखिए हमने विदाउट शिफ्ट के ये किया है ना, तो ये हमारा जो रेक्टेंगल है वो इधर उधर डिस्टॉर्टेड सा हो रहा है ना, क्योंकि हमने इसको विदाउट शिफ्ट यूज़ किया है ना। और एक और चीज़ आपने नोटिस किया कि जिधर से हम क्लिक करते हैं उधर का, जिधर हम मूव करते हैं उधर के एक नोट जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, बाकी और सब नोट से मूव होता है ना। तो अभी हम इसको क्रिएट करेंगे शिफ्ट दबा के। देखिए एकदम रेक्टेंगल बनाइए शिफ्ट दबा के। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि शिफ्ट दबा के ही करेंगे अगर आपको प्रोपोर्शनेट चाहिए तो। अगर प्रोपोर्शन में नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल फ्री ट्रांसफॉर्म करके एकदम जैसा आपको रेक्टेंगल बनाना है वैसा बना सकते हैं। बट एकदम शेप में चाहिए तो आप शिफ्ट यूज़ करेंगे, उससे एक प्रॉपर शेप में बनता है। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ जानेंगे हम, है ना। जो बेसिकली सब में ऑप्शंस होते हैं वही इसमें भी ऑप्शन है। यहाँ पे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक हैंडल दे रखा होता है, ये होता है हमारा रेडियस का। रेडियस यहाँ पे जैसे ही हम आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ये उतना ही साइड वाले जो हैं कर्व्स कर देता है, साइड वाले जो कॉर्नर्स हैं कर्व्स कर देता है ना। इससे हम यहाँ तक कि इक्लिप्स भी बना सकते हैं, एक सर्कल भी बना सकते हैं, है ना, क्रिएट करके। तो इसी के थ्रू बन जाता है वो, इसमें हमें बहुत ही, एक सर्कल से हम काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, एक रेक्टेंगल से काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, है ना। तो अगर आपको मास्टरी हो रखी है तो आप एक ही रेक्टेंगल टूल से काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे एलिमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। लोग एक रेक्टेंगल से सिर्फ लोगो बना देते हैं, है ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल अभी हम आगे देखेंगे इसमें कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। यहाँ से हम इसके कर्व्स को मैनेज कर सकते हैं, जो कि हम और भी यहाँ पे जो हैंडल है वहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। ये एंगल कि हम इसे किस एंगल पे मूव कर सकते हैं, है ना, हम चाहे तो ऐसे इसको रख लें, हम चाहे ऐसे रख लें, है ना। तो ये एंगल मैनुअली भी आप यहाँ पे डाल के देख सकते हो। यहाँ पे आप 10 डाल लो, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे आप 0 कर दोगे तो ये उसी फॉर्म में आ जाएगा जिसमें पहले था। सो उसके बाद हम नेक्स्ट, हमारा जो है ये पास थ्रू है। पास थ्रू क्या होता है कि हमारा ओपेसिटी होता है ना। जैसे ही हम इसको कर देते हैं 50, हमने 50 कर दिया तो इस ये थोड़ा हल्का हो गया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कि हम बैक साइड में एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं, है ना, और इसका हम फिल कर देते हैं रेड और इसको हम कर देते हैं बैक में। तो ये देखिए, है ना, जैसे हमने इसका 50 किया, अभी हम इसको कर देते हैं 80, तो ये और वैसा हो गया। अभी हम इसको, इसका जो पास थ्रू है वो कर देते हैं 30, ये बिल्कुल ही हल्का हो गया। तो ये एक ओपेसिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है जो हम यूज़ करते हैं पास थ्रू, है ना। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जो आपको फोटोशॉप में ऑप्शंस दिखते हैं वही ऑप्शंस होते हैं, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लाइटन। तो ये सारे ऑप्शन फोटोशॉप में भी होते हैं, सेम ही ऑप्शन है ऑलमोस्ट। तो ये इनका यूज़ आप अपने UI को और अच्छा इम्प्रूवमेंट करने के लिए कर सकते हो। फिलहाल अभी इसको हम कर देते हैं 100, है ना, जैसा ये था। तो अभी हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ये पास थ्रू हमारा लेयर का ऑप्शन था, ये हो गया है कि हम रेक्टेंगल में कैसे इसको यूज़ करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है फिल। फिल मैं बहुत ही बार आपको बता चुका हूँ कि फिल इज़ जस्ट लाइक कि इसमें कोई कलर हमने ऐड कर दिया, तो उसमें हम कोडिंग के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं कि इसका हैश कोड होता है, ये जो होता है इसको हैश कोड बोलते हैं हम डिज़ाइन की लैंग्वेज में, हैश कोड होता है, तो वो हमें इंटर करना होता है और उसी कोड से वो कलर ले लेता है, है ना। तो इस तरह भी कर सकते हैं और हम डायरेक्टली यहाँ से कलर भी चूज़ कर सकते हैं। सो
और उसके बाद हम इसकी ओपेसिटी, कलर की ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 60% कर देंगे तो ये 60% दिखाएगा, है ना। अभी हम इसको कर देते हैं 100%, तो ये 100% आ गया। अब यहाँ पे हम अगर अपने डिज़ाइन में कुछ स्ट्रोक ऐड करना चाहते हैं तो स्ट्रोक भी ऐड हो जाएगा, यहाँ से स्ट्रोक का साइज बढ़ जाएगा। इनसाइड रखना चाहते हैं, सेंटर रखना चाहते हैं, आउटसाइड रखना चाहते हैं, ये सारा ऑप्शन हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने फ्रेम वाले ऑप्शन में आपको ये सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं, है ना। तो अभी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, है ना, क्योंकि मैं इसमें ये सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे इस इन टूल का यूज़ करना है, तो मैं ये चीज़ स्किप नहीं करूँगा, है ना। तो रेक्टेंगल में ये चीज़ आ गई, है ना। तो अभी ये है कि ये यहाँ पे ड्रॉप शेडो, है ना, ड्रॉप शेडो ऐड हो जाएगी, तो जस्ट इससे हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं कोई भी फ्रेम बनाने में, फ्रेम इन द सेंस कि अगर हम वेबसाइट या यूआई के अंदर अपने कुछ फ्रेम क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो वो हो जाता है। मोस्टली हम यूज़ करते हैं इसको बटन बनाने में, है ना। आपने देखा होगा कभी किसी में ऐसे कुछ बटन्स होते हैं जिनमें लिखा होता है, ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सब्सक्राइब नाउ। तो आपने ये YouTube पे भी काफ़ी देखा हो कि ऐसे बटन्स होते हैं, तो ऐसे ही वो भी क्रिएट किए जाते हैं। तो रेक्टेंगल का ज़्यादातर यूज़ हम बटन्स बनाने में करते हैं, और भी बहुत सारे यूज़ हैं, बट मैं एकदम आपको कॉमन वाला यूज़ बता रहा हूँ कि कॉमनली हम क्या यूज़ करते हैं, है ना। अभी इसको मैं और साइज़ कम कर देता हूँ, इसका इसका साइज़ ये कर दिया, उसको कर देता हूँ ब्लैक, है ना। तो अभी इसको 40 में कर देते हैं, ना इसको कर देते हैं, इसका कलर हम कर देते हैं फिल का। तो ये हमारा एक बटन रेडी हो गया। तो ये हमने जस्ट रेक्टेंगल से क्रिएट किया और बहुत ही फास्टली किया, आपको तुरंत के तुरंत मैंने करके दिखाया, है ना। तो अभी हम इसका और कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब का कलर है तो आप यूट्यूब का कलर रेड होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। अभी अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे हमारा स्ट्रोक ना रहे, हमें स्ट्रोक अच्छा नहीं लग रहा है, तो विदाउट स्ट्रोक भी हो जाता है। यहाँ पे ये हमारा इफ़ेक्ट हो रखा है ऐड, इसको इफ़ेक्ट को हटा सकते हैं, है ना। इफ़ेक्ट को ऐड करेंगे तो ये देखिए एकदम प्रॉपर बटन जैसा लग रहा है ना। तो प्रॉपर बटन ये हो गया हमारा, ये बटन हो गया। यहाँ पे हम सब्सक्राइब नाउ का एक बटन हमने डिज़ाइन कर लिया विथ हमारे रेक्टेंगल। तो मैंने आपको इसका यूज़ भी बता दिया, बेसिक यूज़ कि हम कहाँ पे करते हैं, है ना। तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिज़ाइन की बात। तो मैंने सब्सक्राइब वाला बटन आपको बना के दिखाया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा डिज़ाइन की बात चैनल को, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे हमने ये रेक्टेंगल टूल पढ़ लिया है, है ना। रेक्टेंगल टूल में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो मैंने एक यूज़ आपको करके दिखा दिया, वो आप एक्सप्लोर करोगे अपनी क्रिएटिविटी, तभी आप जान पाओगे और चीज़ें हम क्या कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बेसिकली बना के दिखाया है, है ना। तो अभी हम नेक्स्ट कौन सा टूल यूज़ करेंगे, लाइन टूल। लाइन टूल जैसा कि इसका नाम है, सिंपल एल फॉर लाइन, है ना, शॉर्टकट है एल, तो इससे हम कोई भी लाइन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। अब हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्रिएट होगा, है ना। देखिए एक लाइन क्रिएट हो गई है ना। तो अभी इसको बेसिकली ज़्यादातर यूज़ कहाँ कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको, है ना। तो इसको ज़्यादातर लोग यहीं से इसमें एरो ऐड कर देते हैं, एरो बनाने में यूज़ करते हैं लोग, है ना। एरो का जबकि एक सेपरेट हमारे पास एक और टूल है, है ना। दोनों टूल का लगभग काम सेम ही है, है ना। अलग अलग दे रखे हैं जिससे कि कभी कभी कहीं कहीं अलग भी हो जाता है। तो अब मैं ये चीज़ बताऊँगा कि
जो कहीं अलग चीज़ यूज होती है वो ये कहाँ होती है ना। अब जैसे हमारा ये लाइन टूल है ना, और हमारा ये टूल है रेक्टेंगल, है ना। मैं आपको बिल्कुल ही सही चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको कि लाइन का यूज़ कहाँ। बस जिस लोग बता देते कि ये लाइन टूल है ना, इसको लाइन बोलते हैं, बट मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊंगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं इस लाइन टूल को। ये हमारा वाइट हो गया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे, 5 कर देंगे, मे बी 8 कर देंगे। ये हमारा ये लाइन क्रिएट हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, इस लाइन में हम ऐड करेंगे ब्लर ऑप्शन, ठीक है। ये चीज ऐड हो गई ना, इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ा लिया, है ना। तो इन सब चीजों का यूज करते हैं हम, देखा। तो इसको लोग ये नहीं बताते कि इसका यूज कहाँ पे कैसे करना है। तो मैंने आपको ये चीज दिखाई कि इसका यूज कैसे करेंगे, है ना। इसको हम डैश लाइन में भी कर सकते हैं, डैश बना सकते हैं इसको, है ना। और यहाँ तक कि इसकी कैपिंग भी हम कर सकते हैं। जैसे अभी ये आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, अब यहाँ पे इसकी कैपिंग एकदम हेलो, अभी इसकी कैपिंग जो है बिल्कुल ही स्मूथ सी है, रेक्टेंगल जैसी बन रखी है ना। अभी हम इस को करेंगे, इसकी कैपिंग को राउंड कर देंगे, है ना। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इसकी कैपिंग को राउंड कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, राउंड करेंगे तो ये राउंड दिखेगा, है ना। तो ये सारे ऑप्शन हम लाइन में कर सकते हैं, है ना। अब अगर हम चाहें तो इसको बेवल कर दें, है ना, बेवल हो जाता है ये, और यहाँ पे ज्वाइनिंग का ऑप्शन जो होता है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी तरह से, है ना। अभी हम इसको कर देते हैं। अच्छा, इसके हम एरो भी बहुत सारे वैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये लगभग सेम ही है, इसका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, एरो वाला ऑप्शन तो सेम ही है, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन जो आपको साइड पे एडिटिंग वाले ऑप्शन मिलेंगे वो दोनों में सेम ही मिलेंगे, है ना। अब इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करके इसको और डिफरेंट बना सकते हैं, है ना। तो अभी हम इसमें कुछ इफेक्ट भी ऐड करेंगे जिससे इसको एकदम इस चीज़ का बिल्कुल अलग ही इफेक्ट आएगा। जैसे ये वाला जो ऑप्शन है ये हम और चीज़ों में नहीं कर सकते बट इसमें कर सकते हैं। इसको इसका ब्लर ऑप्शन है ऐड करके हम इसका ब्लर ऑप्शन बढ़ा सकते हैं। ब्लर हम कर देते हैं 8। तो ये बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है, ये हमारे 3D आइकन बनाने में यूज़ होता है। 3D आइकन जब भी बनाते हैं हम तो उसमें एक रिफ्लेक्टिव सा कुछ चाहिए होता है ना, रिफ्लेक्टिव दिखना चाहिए, तो उसमें ये चीज़ हम ऐड करते हैं, उसको रिफ्लेक्टिव बनाते हैं। अभी हम इसमें ऐड करते हैं 30। देखिए बिल्कुल एकदम वो हो गया है ना। अभी इसमें 20 ऐड करते हैं, तो ये देखिए आ रहा है ये वाला इफेक्ट, है ना। तो ये लाइन टूल का यूज़ बेसिकली ये है, ये कोई नहीं बताएगा आपको कि इसको लाइन टूल को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे
जस्ट यू बता दें कि बस ये लाइन टूल है, इसका ऐसा यूज होता है। तो इसके थ्रू हम एक 3D आइकन भी डिज़ाइन कर सकते हैं, 3D लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमने बेसिकली आपको ये बता दिया है जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, है ना। अभी इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसको हम कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं, है ना। ये हो गया, इनको शिफ्ट दबा के इसको रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम अपने ये जो लाइन टूल को है उसका यूज परफेक्टली कैसे कर सकते हैं। ये देखिए एक डेप्थ सी क्रिएट हो गई है इसमें, है ना, डेप्थ लाने के लिए ये यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको यूज कहाँ और कैसे करेंगे, है ना। कभी कभी UI डिजाइन में इसका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है ना। तो ये हमने अभी सीखा यहाँ पे रेक्टेंगल टूल के बाद लाइन टूल और ये एरो टूल, तो ये हमारा दोनों एक में ही कवर हो गया है, है ना। तो सेम फीचर्स ही हैं इसमें, हम ऐड कर सकते हैं सेम फीचर्स जो भी है, है ना। अभी हम इसको, ये दोनों टूल्स हमने जान लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं एक्लिप्स, एक्लिप्स टूल मतलब कि हमारा ये सर्कल टूल है ना। तो बहुत लोग क्लिप्स नहीं समझ पाते हैं तो सर्कल टूल कहते हैं, है ना। तो सेम ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे हमने रेक्टेंगल के लिए यूज़ किया था, जैसे हमने लाइन के लिए यूज़ किया था, जैसे हमने एरो के लिए यूज़ किया था, सेम चीज़ें हैं। बट यहाँ पे जो इसमें हम डिफरेंट चीज़ कर सकते हैं, इसके आर्क से कर सकते हैं, इसके आर्क को हम जितना चाहे उतना रख सकते हैं, है ना। स्वीप इसमें लिखा हुआ है, स्वीप मतलब कि इसको हम कैसे घुमा रहे हैं, है ना, वो स्वीप करना होता है। तो अभी हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि इसको हम कितना हॉलो कर सकते हैं और कितना ले जा सकते हैं, जैसे ये वाला है तो इसमें हम इसका रेशियो सेट कर सकते हैं। ये हमारा ये इस तरह का बन गया। तो इससे हम बहुत सारे जो है अलग अलग शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये हो गया, है ना, और ये शेप हो गया। ये शेप आपको बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएंगे आपके UI डिज़ाइन में, है ना, हर जगह आपको देखने के मिल जाएंगे इस तरह का शेप। और बेसिकली ये वाले शेप आपको इन्फोग्राफिक्स में देखने को मिलते हैं, इन्फोग्राफिक्स जो बनाए जाते हैं, है ना। तो इन्फोग्राफिक्स उनको बोलते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन और ग्राफिक्स दोनों चीज़ें होती हैं। इन्फॉर्मेशन जैसे हमारा कुछ डाटा हो गया कि इतने परसेंट लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना, तो ये हो गए इन्फॉर्मेशन। अब इसको शो कैसे करेंगे, इसको ग्राफिक्स के थ्रू शो करेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ पाई चार्ट जैसा क्रिएट कर देता है, जैसे शुरू में हमने दिखाया था, है ना, ये हो गया, है ना। तो ऐसा कुछ जो होता है वो UI डिज़ाइन में यूज़ होता है। तो बेसिकली सर्कल टूल का यही यूज़ है ना, और इसमें बहुत सारे शेप्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो शेप्स मैंने दिखा दी आपको, आप अपनी तरफ से जो जो भी शेप्स हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कितना इन्हेंस करके उसको क्लियर कर सकते हैं, है ना। सो ठीक है, ये हमारा सर्कल टूल हो गया। इसमें हम कलर भी कर सकते हैं, है ना, कलर करके मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, सो आपको और समझ में आएगा कलर करने के बाद। तो जैसे ये हमारा ये कलर है, एक ये कलर है और एक कलर और ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, एक कलर हम ये ले लेते हैं, है ना, हमारा ये कलर है, ये कलर है, और थोड़ा सा और इधर ले जाते हैं। तो देखिए जैसे ये शेप क्रिएट हुआ है, तो इस तरह से हम और भी क्रिएट कर सकते हैं शेप, है ना, लोगो बनाने में और बहुत सारी चीज़ें बनाने में। तो ये सब जो टूल है इनको यूज़ करने की पॉसिबिलिटी एंडलेस है। आप बिल्कुल क्रिएटिव तरीके से जिस तरह से आप अपने UI को डिज़ाइन करना चाहते हैं, अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं,
तो बिल्कुल ही आराम से हो जाएंगी, है ना। बस आपको थोड़े टूल्स को ध्यान में रखने होंगे, है ना। सेम अगेन ऑप्शन सेम है जैसे हमारा रेक्टेंगल में था और बाकी टूल्स में था, यहाँ से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। ये वाले टूल में बिल्कुल बेसिक ही बता रहा हूँ, एकदम एडवांस नहीं गया हूँ मैं, क्योंकि हम इस इन टूल्स को जान रहे हैं। तो अगर मैं और सारी पूरा फिग्मा कवर करने इसी वीडियो में कवर करूँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा ट्यूटोरियल हो जाएगा। तो अभी बेसिकली टूल्स पे ही हम फोकस कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा जो है सर्कल टूल से बना है, इक्लिप्स टूल से बना है। तो इस इक्लिप्स टूल से हम यही सब कर सकते हैं, है ना। सो अभी हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा पॉलीगन टूल है। पॉलीगन टूल में भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम इसका कलर ले लेते हैं, हम इसका कलर ये ले लिया, है ना। अभी हम इस कलर को ये अच्छा, यहाँ पे ये जो काउंट दिख रहा है, काउंट क्या चीज़ है आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे काउंट ये कि हम इसको पॉलीगॉन बना सकते हैं, हेक्सागॉन बना सकते हैं, है ना। तो ये हम जितना काउंट बनाते जाएंगे वैसे ही बनता चला जाएगा, पॉलीगॉन, हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन, जो जितने भी होते हैं, है ना, ये उनमें क्रिएट होता जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, है ना। पॉलीगॉन में 3 होते हैं तो यहाँ पे हम 3 रख लेते हैं, अभी हम पॉलीगॉन ही सीख रहे हैं, है ना। यहाँ से अनदर शेप्स हम क्रिएट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे सेम ही ऑप्शन है, यहाँ पे हम इसको कर्व दे सकते हैं, है ना। ये हमारा थोड़ा शार्प नहीं लग रहा है, थोड़ा कर्व लग रहा है ना। अब यहाँ पे हम इसमें एंगल ऐड कर सकते हैं, इसको थोड़ा एंगल इधर उधर कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेम है ना। इसको अब आप सोचो कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ना बाकी और सब चीज़ों का बता दिया। तो वही है कि इसका हम काउंट बढ़ा के हम अपने यूआई में यूज़ कर सकते हैं, है ना। कहीं कहीं पे हमें फ्रेम बनाने होते हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं, है ना, तो हम इनके थ्रू बिल्कुल ही आराम से कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल इजी तरीके से हो जाता है, है ना। इसको हम इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और ये चीज़ें हम वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं एक पेन टूल से लेके, है ना। पेन टूल भी एक अलग ही इन सब का एक वो है कि इससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें बेसिकली नोड ऐड हो जाती है, वो हम आगे भी देखेंगे। अभी मिस वाले में पॉलीगॉन जो है उसको कवर कर रहे हैं। तो पॉलीगॉन में 3 जो होते हैं साइड्स होते हैं, इससे हम इसके रेडियस को मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम इसको सर्कल भी बना सकते हैं, ना जितना हम इसमें जितना हम प्ले कर सकते हैं उस हिसाब से हो सकता है, है ना। यूआई डिज़ाइन में इसका यूज़ होता है बेसिकली, जैसे हम कोई भी यूआई एलिमेंट ऐड करना हो, यूआई एलिमेंट बनाना हो और इसको अपने हमारे जो वेबसाइट है उसके अंदर ही फ्रेम क्रिएट करना हो, है ना। जैसे ये है तो अभी हम कोई इमेज ले लेते हैं, जस्ट लाइक एक हम ये वाली इमेज ले लेते हैं, ना? तो ऐसा कुछ फ्रेम हमें क्रिएट करना है। तुम सिंपली इसको जो है हमारे इसको हम करेंगे यूज मास्क, ठीक है। अब हम इस इमेज को मास्क करके इसके अंदर फिट कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करने के लिए, इस तरह के शेप्स बना के यूज़ करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है ना, ठीक है।
वो आपको समझ में आ गया होगा इतना, है ना। इसमें कोई और भी ले सकते हैं, है ना। तो ये बेसिकली वेबसाइट के अंदर ही फ्रेम क्रिएट करने के लिए होता है और यूआई एलिमेंट बनाने के लिए होता है, है ना। यहाँ से हम इसका काउंट ऐड करके इसको हम किसी भी शेप में बना सकते हैं, पॉलीगॉन, हेक्सागन, ऑक्टागन, है ना। तो अभी हमें अगर इसमें हम ब्लर टूल ऐड करेंगे तो उसका अलग ही शेप दिखेगा, है ना। वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, एडवांस में जब जाएंगे। फिलहाल अभी ये टूल्स करते क्या हैं वो हम देख लेते हैं, है ना। तो ये पॉलीगॉन टूल था, है ना। तो इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं हमने बता दिया। अभी हम नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टूल है स्टार। स्टार टूल काफ़ी जगह यूज़ होता है, आपने देखा होगा, है ना। अभी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, वैसे तो ये स्टार बनाने में भी यूज़ होता है, है ना, जैसा कि इसका नाम है स्टार टूल। अब यहाँ पे रेडियस दे रखा है, इसका हम रेडियस डिफाइन कर सकते हैं, कितना रेडियस, किस तरह का स्टार चाहिए हमें, है ना। अब ये थोड़ा सा अच्छा स्टार लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा शार्प शार्प सा लग रहा था। सो एक तो ये कि हम ऐसा स्टार इसको बना सकते हैं, है ना। ठीक है, एक हम इसमें ये ऐड कर सकते हैं, कर्व ऐड करके इसको ऐसा स्टार बना सकते हैं, है ना। ठीक है, अब इस स्टार में हम ऐड करना चाहते हैं कि हम थोड़े से काउंट्स ऐड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी कॉपी ले लेते हैं, है ना। कैनवास थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे देखेंगे, यहाँ पे ये ऐड कर लेते हैं, इसका काउंट बढ़ा लेते हैं। काउंट हमने बढ़ा लिया, ये वाला काउंट, ठीक है। तो ये इस तरह का दिखने लगा। तो ऐसे शेप्स आपने बहुत जगह देखे होंगे, है ना, ये सब स्टार से ही क्रिएट होते हैं। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। अब जो इसमें मेन चीज़ है, इसका यूज़ कहाँ होता है इस चीज़ का बनाने में, तो इसको सिंपली बनाया जाता है, आपने बहुत ही जगह देखा होगा सेल और डिस्काउंट और इन सब में। तो ईजिली इसको वहाँ से क्रिएट कराया जाता है। इसको ऐसे लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं, इसमें थोड़ा और ऐसे कर देते हैं, इसके काउंट्स बढ़ा देते हैं, है ना। काउंट्स बढ़ाने के बाद इसका जो इसको थोड़ा और कम कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपने देखा होगा कि डिस्काउंट और इन सब चीज़ों की जो यूआई होती है वहाँ पे यूज़ होता है, है ना। ये हो गया। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं, इफेक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने बहुत जगह देखे होंगे कि डिस्काउंट वाला जो होता है उसमें स्टार का यूज़ किया जाता है, स्टार को यूज़ करते हैं लोग, है ना। तो हम बेसिकली डिस्काउंट लिख देते हैं, कितना डिस्काउंट देते हैं हम, लिख देते हैं 50% 50% डिस्काउंट, है ना। इसको कर देते हैं सेंटर, इसका साइज कर देते हैं छोटा। अब इसको और थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। साथ ही साथ मैं आपको यूआई भी दिखा दे रहा हूँ कि इसका इन शेप्स के यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसको किस तरह के यूआई बनाने में यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब इस शेप का कलर जो है, जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं वाइट, है ना। बैटरी भी ख़त्म हो रही गाइस, है ना। तो यहाँ पे हमने स्टार से हमने ये क्रिएट कर लिया है, ये वाला यूआई। तो स्टार का बेसिकली यही यूज़ होता है कि हम इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, है ना। सो अभी हम इसको रहने ही देते हैं, है ना, कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखी है, है ना। फिर नेक्स्ट जो होता है हमारा स्टार के बाद, ये होता है प्लेस इमेज एंड वीडियो, है ना। तो यहाँ से हम कोई भी इमेज प्लेस कर सकते हैं, है ना, जस्ट लाइक ये है,
तो हम इस इमेज को प्लेस कर सकते हैं कहीं भी, है ना। इनसाइड शेप भी कर सकते हैं हम, जैसे ये वाला हमने शेप लिया और इसके बाद हम यहाँ पे गए प्लेस वीडियो एंड इमेज, मैं यहाँ पे ये क्लिक किया तो ये देखिए इसके अंदर प्लेस हो गया है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस जो इमेज है उसके अंदर हम शेप को प्लेस कर सकते हैं, और शेप के साथ हम वीडियो को भी प्लेस कर सकते हैं इसमें। तो ये वाले ऑप्शन का जो है यही यूज़ है कि इसमें हम इमेज को प्लेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है पेन टूल और पेंसिल, है ना, ये हमारे दो ऑप्शन हैं। तो अब हम देखते हैं उनका यूज़ कैसे करेंगे, है ना। पेन टूल को हम बेसिकली यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए, है ना। जैसे हमने ये क्रिएट किया तो अब ये इस पेन टूल से क्रिएट होगा, जैसे ही हम यहाँ पे डन करेंगे ये देखिए यहाँ पे क्रिएट होगा। बट हमेशा ये ध्यान रखिएगा ये जब भी क्रिएट होगा तो ये स्ट्रोक में ही क्रिएट होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको इसमें फिल ऐड करना होगा। जैसे आप फिल ऐड करोगे तो इसमें ये कलर आ जाएगा, है ना। अब अगर आप यहाँ पे इसको स्ट्रोक नहीं चाहते तो स्ट्रोक को हटा दो, है ना। अब यहाँ पे ये हो सकता है। अच्छे जो ये पेन टूल है इसकी एक और खासियत है कि इसमें क्या होते हैं, इसमें बनते हैं नोड, है ना, ठीक है। इन नोड्स को हम कर सकते हैं एडिट, ठीक है। जैसे ये वाला नोड है, अब देखो ये नोड जो है सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। अभी हम और किसी टूल से बनाते, सपोज कि हम इसको रेक्टेंगल टूल से बनाते हैं, है ना। हम यहाँ पे रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल टूल में सिर्फ हम स्ट्रोक रखते हैं, फिल को हटा देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। अब हम इसके जैसे ही हम इसके अंदर जाएंगे, है ना, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करना चाहते हैं कोई एलिमेंट, ठीक है, डन। हो गया ना। तो ये जो है ये टूल ऐसे ही काम करता है कि ये एक नोड क्रिएट कर लेता है, है ना। तो जैसे हमने रेक्टेंगल बनाया था, रेक्टेंगल में हमें नोड ऐड करना था साथ में, तो हमने इस टूल को यूज़ किया, हमने पेन टूल को यूज़ किया, है ना। इससे हमारा क्या है कि प्रॉपर एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया, है ना। इसका यूज़ करते हैं बेसिकली ज़्यादातर आइसोमेट्रिक डिज़ाइंस में। आइसोमेट्रिक डिज़ाइंस वो होते हैं जैसे पर्सपेक्टिव डिज़ाइंस बनते हैं, लाइक ये हमने बनाया, हमने ये क्रिएट किया, अब हमने इसको ऐसे रख लिया और इसको अब हम ऐड करेंगे इसमें पेन टूल, है ना। इसमें हम स्ट्रोक ही रखते हैं, है ना। देखो ये भी एकदम अलग अलग है क्योंकि हमने इसमें अंदर जाके इसको से अटैच नहीं किया था। अब हम इसमें जाएंगे, यहाँ से हम ऐड करेंगे इसमें नोड्स। जैसे ही हम यहाँ से इसमें नोड ऐड करेंगे ये अटैच होता चला जाएगा, ये देख रहे हैं अपने आप ये दिखा दे रहा है। अब हम यहाँ पे ये वाला नोड लेंगे, हम यहाँ पे इसको यहाँ तक जाएंगे,
फिर यहाँ से ये ऐड करेंगे, डन करेंगे, और ये देखिए हमारा एक एक जो हमारा आइसोमेट्रिक डिज़ाइन है वो क्रिएट हो गई है ना। अब इसमें हम जैसे ही फिल ऐड करेंगे यहाँ पे आएंगे, ये वाले पार्ट को हम इधर ले आएंगे, ये देखिए तो ये आइसोमेट्रिक डिजाइन्स यूज जो है आइसोमेट्रिक डिजाइन्स करने में यूज होता है ना। तो पेन टूल को हम, पेन टूल से एक वेब्स क्रिएट हो जाते हैं है ना, जो बेसिकली नॉर्मल टूल से नहीं होते हैं है ना, उसके अंदर हमें जाना पड़ता है ना, बट पेन टूल में हम बाहर से ये सब चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, इससे रेंडमली कोई भी शेप्स बना सकते हैं है ना, ट्रेसिंग करके भी। सो ये था यूज़ हमारा पेन टूल का है ना, शॉर्ट में इसका यूज़ बता रहा था मैं है ना। नेक्स्ट हमारा पेंसिल है, पेंसिल का यूज़ जस्ट जैसे हम ड्रॉ करते हैं पेंसिल्स उनको यूज़ करते हैं, वो है बेसिकली है ना, जैसे इलस्ट्रेशन कुछ करते हैं तो हम उसमें यूज़ करते हैं पेंसिल को है ना। तो जस्ट ड्रॉ करना होता है हमें कुछ तो उसमें यूज़ हो जाता है, इसका बेसिकली यही काम है ना। इसको लोग पेन टैब जो होता है, पेन टैब से जो भी डिज़ाइन करते हैं लोग है ना, जो भी आर्टिस्ट पेन टैब से कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं उनमें यूज़ होता है ये है ना। रेक्टेंगल टूल और लाइन टूल, एरो, इक्लिप्स, पॉलीगॉन, स्टार एंड ये सारे टूल्स पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे पेन टूल भी पढ़ चुके हैं। पेन टूल का यूज़ हम रैंडम कोई भी शेप क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं है ना। बेसिकली इससे हम आइसोमेट्रिक डिज़ाइंस बना सकते हैं। आइसोमेट्रिक डिज़ाइंस होती हैं जैसे पर्सपेक्टिव में बिल्डिंग टाइप की डिज़ाइंस होती हैं है ना, वैसी होती हैं, तो वैसी डिज़ाइंस हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। पेंसिल टूल से हम जस्ट इलस्ट्रेशंस बनाने में कुछ यूज़ कर सकते हैं है ना, वो मैंने दिखाई भी आपको अभी। फिर इसके बाद हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल क्या होता है कि हम किसी भी वेबसाइट और एप्लीकेशन में जो है, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ का ऐप रख देते हैं ना, इसका नाम, इसमें हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं है ना, जस्ट लॉरम इप्सम भी ऐड कर सकते हैं, लॉरम इप्सम भी करके कुछ कर सकते हैं। नॉर्मली मैं टेक्स्ट ऐड कर दिया तो चैनल का ही नाम ऐड कर लेते हैं। तो ये टेक्स्ट है, इसमें हमें अगर इसको टेक्स्ट को चेंज करना कि हमें टेक्स्ट कैसा चाहिए, मान लो ये वाला टेक्स्ट हमें चाहिए तो ये वाला रख लिया है ना, और मान लो हमें कौन सा टेक्स्ट चाहिए तो इसमें हमने जैसे जैसा हमें टेक्स्ट चाहिए वो टेक्स्ट आ जाता है, टेक्स्ट का बोल्ड करना है बोल्ड हो जाएगा। और ये सारे ऑप्शंस आपके जो टेक्स्ट में बेसिकली होते हैं वो सारे ऑप्शन सेम ही है ना, यहाँ पे कोई बहुत ही वैसी वाली बात नहीं है कि एकदम अलग चीज़ है ना। तो ये अगर मैं दो लाइन में करूँगा तो ही समझ में आएगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो दो लाइन में करके मैं इसको बता सकता हूँ कि ये जो है, ये देखिए यहाँ की इसकी जो लेंथ है इसकी ये बढ़ रही है, इसकी बीच का जो गैप है वो कम और ज़्यादा हो रहा है। अब अगर इस साइड का बढ़ाना है तो वो ये वाले ऑप्शन होता है, यहाँ ए ऑप्शन जो होता है इससे यूज़ होता है ना। अभी इसको हम कर देते हैं ज़ीरो, ये नॉर्मल हो जाएगा है ना। और इसके बाद ये हमारा अलाइनमेंट है कि सेंट्रल रखना है ना, राइट रखना है, लेफ्ट रखना है,
और ये अलाइनमेंट है, मिडिल रखना है कि नीचे रखना है, तो ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट सब में सेम ही होती हैं, कॉमन ही होती हैं। अब अगर हमें इसमें अंडरलाइन ऐड करना है तो ये ऐड करना है, ये चीज़ ऐड करनी है कि कट दिखाना है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मली इसी चीज़ से हो जाती है। तो अब इसमें अपर केस अगर इसको बनाना है तो ये आ गया, ऐसा बनाना है इसको, ऐसा बनाना है ना, तो ये सब चीज़ें इसके थ्रू हो जाती हैं, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, जैसे सब हमारे टेक्स्ट में होता है। अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया होगा, इलस्ट्रेटर यूज़ किया होगा, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। ये बहुत ही इजी सा सॉफ्टवेयर है ना। बस टूल्स को समझने की बात होती है, टूल्स को मैं बस डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, तो और उसका यूज़ कहाँ पे कैसे करना है वो भी बता दे रहा हूँ, तो इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं, है ना, सेम उसी टाइम पे क्लियर हो जा रही चीज़ें, तो सही है। सो अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ये वाला टेक्स्ट का तो ऑप्शन हो गया है ना, टेक्स्ट आपको समझ में ही आ गया होगा कि ये सब चीज़ें कैसे करते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट वाले ऑप्शंस हैं राइट लेफ्ट और ये, तो इसमें बहुत कुछ डिफरेंट नहीं है कि मैं आपको बताऊँ ऐसी चीज़, या आप जहाँ पे टेक्स्ट यूज़ करना चाहेंगे यूज़ कर लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, रिसोर्स वाला ऑप्शन। रिसोर्स वाला ऑप्शन क्या होता है कि यहाँ पे हमारे कितने प्लगइन्स हैं, कंपोनेंट हमने क्या बना रखे हैं, वो सब यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं प्रीसेट ही बना के, है ना, कि कुछ बना लिया, कुछ क्रिएट कर लिया। जैसे कि हमें किसी वेबसाइट में कुछ नॉर्मल बटन्स चाहिए होते हैं, साइनअप चाहिए, साइनअप का बटन चाहिए होता है, ज्वाइन नाउ का बटन चाहिए होता है, तो ये कुछ चीज़ें जो होती हैं सब जगह पे नॉर्मल, मतलब सब जगह पे कॉमन ही यूज़ होती हैं, तो वो वाले रिसोर्स हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे होती हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें हम क्रिएट करके यहाँ पे आ जाता है वो चीज़, जैसे हम सेव करेंगे इसको। फिर नेक्स्ट ऑप्शन ये हमारा हैंड का ऑप्शन है, तो ये हमारा बेसिकली मूव करने के लिए होता है कि हमारा कहीं भी कैनवस या हमारा जो फ्रेम है वो कहाँ पे है, यहाँ से हम डिज़ाइन को देख लेते हैं, है ना, पकड़ के। जैसे कैनवस पे हम हाथ लगा के इधर उधर करते हैं, पेपर पे आपने यूज़ किया होगा पेपर पे, या इससे आपको ज़्यादा समझ आएगा, पेपर को आप हाथ लगा के मूव करते हो, तो सेम वही ऑप्शन है ना, ये डिजिटल में है, तो हम इसको ऐसे ही मूव करेंगे। अब ये जो हमारे लास्ट में ये कमेंट का ऑप्शन होता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन होता है, ये लोग अवॉइड करते हैं, मतलब कोई बताता नहीं है इस चीज़ के बारे में, है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बड़ा ही अच्छा ऑप्शन होता है। ये अच्छा ऑप्शन तब होता है कि जब आप डेवलपर्स के साथ मिलके काम कर रहे हो, आपने ये डिज़ाइन कोई वेबसाइट की डिज़ाइन बनाई और आपने उस डिज़ाइन को रिव्यू के लिए डेवलपर के पास भेज दिया। अब डेवलपर क्या करता है, डेवलपर उस डिज़ाइन को, है ना, देखता है, उस डिज़ाइन का रिव्यू करता है। मान लो यहाँ पे ये है, मैं डेवलपर हूँ, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कुछ कमेंट रखना कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, है ना। अब मैंने इसको कर दिया सेंड, तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया कि किसने इस चीज़ में क्या एडिट किया है ना, वो चीज़ चेंज कर दो। तो अब ये चीज़ मेरे पास आएगी, है ना, डिज़ाइनर के पास, UI डिज़ाइनर के पास जाएगी, तो क्या करेगा वो यहाँ पे ये देखेगा कि डेवलपर ने ये बोला है कि इसको यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको ये चेंज कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे ये चेंजेस कर देगा। तो ये बेसिकली कमेंट का ऑप्शन होता है ना, तो यहाँ से कमेंट कर, यहाँ पे रिप्लाई भी कर सकते हैं उस चीज़ को, है ना, ये पेन हो गया है ना, तो जस्ट हम कर देते हैं डन, फिर यहाँ पे डन वाले चीज़ को यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो ये डन हो गया है ना। तो ये जो होता है ये बेसिकली कमेंट का ऑप्शन होता है, और ये बहुत ही यूज़फुल होता है कम्युनिकेशन करने में, है ना। तो फिग्मा का काम ही ये है कि डेवलपर और जो भी वेबसाइट डिज़ाइनर्स हैं उनका काम ईजी कर दे, तो UI डिज़ाइनर के साथ डेवलपर मिलके काम करें, तो इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, इंडस्ट्री का जो काम होता है वो बिल्कुल इसी तरह से होता है विद कम्युनिकेशन, है ना, तो लोग कम्युनिकेट करके आपस में कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है इनका, है डॉक टू स्लाइड, तो स्लाइड में कर लेगा, तो ये अलग ही ऑप्शन हो जाएगा।
एक ही ऑप्शन है ना, यहाँ से ये पूरा का पूरा चला जाता है ना, फिर यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो इसको। तो आप जैसे ही यहाँ पे मूव टूल यूज़ करोगे तो ये जो है ऑप्शन हट जाना चाहिए, है ना। फिलहाल अभी यहाँ पे ये कुछ क्रिएट कर देते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा आराम से, है ना। तो इसमें कोई बहुत फैसी वाली बात नहीं है ना, वो डिलीट विलीट हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये हमने सारे ये टूल्स जाने, है ना, किस टूल का कहाँ पे यूज़ होता है। बेसिकली पेन टूल का भी यूज़ हमने जान लिया कि हम उससे रैंडम शेप क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें वेब्स क्रिएट होती हैं, है ना। वेब्स कैसे समझोगे आप, आपको बहुत अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। सो जैसे ये है, एक रैंडम हमने शेप क्रिएट किया, अब इसको हम यूआई में कैसे यूज़ करेंगे वो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, उसको हम दिखाते हैं। जैसे ये है, ये एक डिज़ाइन बन गई, है ना। अब हमने फिर लिया है यहाँ पे, सॉरी जूम कर लेते हैं, फिर हमने इसको यहाँ पे लिया, फिर ये क्रिएट किया, फिर डन कर दिया, ठीक है। तो ये वेब बना लेता है, है ना। इससे हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन को आराम से ट्रेस कर सकते हैं विद कर्व्स ऐड करके, हैंडल ऐड करके, है ना। तो अब हम इसको यूज़ करना देखते हैं कि इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे। इसको हम यूज़ करेंगे एक यहाँ पे ये वाली कार जो है इसको ले लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमारी ये कार आ गई, है ना। तो अभी हम पेन टूल से इसको यूज़ करेंगे कि हम पेन टूल का यूज़ कहाँ करना है। ये जो है इसको, इस इमेज को हम कर देते हैं लॉक, जिससे कि ये इधर उधर मूव ना हो, है ना। अब यहाँ पे हम पेन टूल लेंगे, ये गए हम यहाँ गए। तो बेसिकली पेन टूल का काम यही चीज़ है कि हम ये जो यहाँ पे कर्व है इसको कैसे मैनेज करके इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैन्युअली जितने शेप्स होते हैं, जितने है ना डिज़ाइंस होते हैं, वो ऐसे क्रिएट करते हैं विद पेन टूल। तो यूआई डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ही काम की चीज़ होती है। मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं डिटेलिंग में करने बैठूँगा इसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। सो अभी मैं इसको नॉर्मली ऐसे शेप्स कर लेता हूँ और थोड़ा सा वैसे वाली शेप में रखते हैं, है ना। ओके, जिससे कि आपको ईजली समझ में आ जाए। ये इसको ऐड किया यहाँ पे, इसको ये किया, फिर यहाँ पे इसको ये किया। ये हम अपने हिसाब से क्रिएट कर लेंगे और बहुत ही अच्छा क्रिएट होगा ये, है ना। अभी मैं जस्ट नॉर्मली क्रिएट कर रहा हूँ उस कार को। ठीक है, सो अभी इसमें कर देते हैं हम कलर। ये स्ट्रोक क्रिएट हुआ है, तो हमेशा यही ध्यान रखेंगे कि जब भी हम ये वाला जो पेन टूल यूज़ करते हैं वो हमेशा स्ट्रोक में अप्लाई होता है, है ना। अब हम इसका स्ट्रोक चाहे तो मूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये देखिए, अभी हमने इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग वाला ट्रेस नहीं किया है, है ना। तो पेन टूल का बेसिकली यही यूज़ है ना। और जो एक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जो बहुत सारी वैसे यूज़ होता है, तो आइसोमेट्रिक डिज़ाइंस बनाने में यूज़ होता है। तो वो भी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि वो भी कैसे होता है।
जस्ट नोड इसमें कनेक्टेड हो जाते हैं, तो इसलिए उसको बनाना इजी रहता है। देखिए जैसे ये बन रहा है, तो ये सब चीज़ें बनाने में बहुत ही आसानी होती है इसमें, क्योंकि एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड रहता है। ये देखिए, तो ऐसी चीज़ें हम पेन टूल से बना सकते हैं। तो अभी ये जो सारे टूल्स का ऑप्शन है, यही बस मेन है, बेसिक चीज़ है ना, वो मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, कैसे कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होगा, कैसे हम यूआई डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। ये तो एक नॉर्मल हमारा ट्रेसिंग वाला था, है ना, बाकी यूआई में भी हम यही चीज़ यूज़ करते हैं। अभी हम इसको अनलॉक कर देते हैं, इस कार को। हम ये फिग्मा में इस पूरे कार को दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं विथ वेक्टर, है ना। अगर हम कोई भी शेप लेते हैं तो वो शेप होता है वेक्टर में। यहाँ पे जितने भी शेप आपने क्रिएट किए हैं वो सब शेप शेप जो है सॉलिड हैं, सॉलिड शेप हैं। तो ये सॉलिड शेप्स हैं, तो इनको एडिट करना बहुत इजी रहता है। जैसे आप इनमें जाओगे ना, तो इनमें हम कर्व्स ऐड कर लेते हैं, कुछ भी ऐड कर लेते हैं, तो इनको क्रिएट करना बहुत आसान रहता है। तो ये जो हमारे ऑप्शंस थे ये सारे, है ना। अब यहाँ पे एक ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये हम ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे, है ना। ये ऑप्शन हम एक अलग से सेपरेट इसका वीडियो बनाएंगे जब हम, जहाँ पे हम बूलियन पढ़ेंगे। ये वाले जो ऑप्शंस हैं सारे बूलियन वाले ऑप्शन होंगे वहाँ पे, तो वो सब हम पढ़ेंगे, है ना। अभी फ़िलहाल अभी के लिए हम नॉर्मल चीज़ें ही रखते हैं, है ना। ओके, तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को लाइक करके, है ना। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, ट्यूटोरियल लाता रहूँगा, है ना। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बिकॉज़ क्योंकि इसमें हम पूरा टूल कवर कर रहे थे। मैं कोशिश करूँगा कि इसको और थोड़ा सा शॉर्ट करूँ, है ना। बेसिकली सिंपल से टूल जो हैं उनको कम में ऐड करके आपको बताऊँ। बट ऐसा था कि मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि आपको ना कि सिर्फ टूल बता दूँ कि ये पेन टूल है, ये रेक्टेंगल टूल है, ये फ्रेम टूल है, इसके साथ ही इसका यूज़ करना भी आपको बताऊं कि इसका यूज़ करके हम क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हैं और इसके अपने यूआई डिज़ाइन में कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसको, है ना। तो यही सब चीज़ें बतानी थी मुझे, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। तो प्लीज़ इसको देखिएगा, है ना, क्योंकि एक ही वीडियो में आपका सब चीज़ कवर हो जाएगा, पूरा टूल कवर हो जाएगा। सो गाइज, आपको अगर मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। आप लोग के एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ ये सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा मुझे, है ना। तो अभी हम इस टूल, जो टूल वाला ट्यूटोरियल है, उसको रैप अप करते हैं यहीं पे, है ना। सो गाइज, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, ओके।